Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charammangal. प्रश्न यह है कि लाइफ में पेशेंस कैसे रखें? जो चीज को पाना है उसके लिए हम एक बार तो जोश में एकदम एफर्ट्स स्टार्ट करते हैं, पर फिर कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती। हम धीरे धीरे खुद ही ढीले हो जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं पेशेंस लूज करते हैं और सोचते हैं कि होगा नहीं होगा, होवे तो ठीक, ना होवे तो ठीक, छोड़ पड़े। ऐसे में हम क्या करें? देखो, दो बातें हैं। पहली बात तो यह कि इस फैक्ट को जानो कि इस प्रकृति में घटनाओं को घटने में समय लगता ही है। हर चीज में टाइम मैटर करता है, हर चीज में नहीं करता। आप डॉक्टर बनने के लिए आए लेकिन 5 साल, अब आप बोलो फर्स्ट ईयर में क्यों ना, या डायरेक्ट 5वें साल में क्यों ना, नहीं, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करके 5 ईयर्स तक आपको प्रैक्टिस तो करनी होगी ना, तो 5 साल पेशेंस रखना ही होगा। फिर 5 साल के बाद भी 2-3 साल और प्रैक्टिस का, तो पेशेंस मस्ट है। फैक्ट को स्वीकार कर लो कि कुछ भी चीज़ें उतावली में नहीं होती, जल्दबाजी में नहीं होती है, समय सबको लगता है, ठीक। दूसरी बात, वो जो समय लगता है उस समय में ये मत सोचो कि कोई एक आध क्षण इम्पोर्टेंट है, मतलब ये मत सोचो एग्जामिनेशन का पीरियड जो है वो ही महत्व रखेगा आपको पास करने के लिए, आपके अच्छे रिजल्ट्स के लिए, नहीं। आपको हर दिन को उतना ही महत्वपूर्ण समझना होगा कि ये आज का दिन ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और आज का दिन मैंने टाइम वेस्ट कर दिया तो गया। हर दिन को अगर आप यूज़फुल बनाते जाओ ना, आपका पेशेंस भी बनेगा, और हर दिन यूज़फुल होने से आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी एक दिन के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हो। जनरली क्या होता है, हम सबका लक्ष्य फ्यूचर में होता है, और तब हमें लगता है कि वो लक्ष्य तो प्राप्त किसी दिन होगा। ये घटनाओं को देखने का एक नज़रिया है कि हम सोचते हैं कि हमारा गोल, हमारा टारगेट, हमारी सक्सेस फ्यूचर में है। शायद आप में से हर किसी के दिमाग में यही कॉन्सेप्ट होगा कि आपकी सक्सेस कहाँ है, कहाँ है आपकी सक्सेस, कहाँ है आपका टारगेट, कहाँ है आपका गोल। फ्यूचर में है ना, फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है, क्या लगता है आपको? हम सबके दिमाग में एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि सक्सेस फ्यूचर में मिलती है, गोल फ्यूचर ओरिएंटेड है। नहीं, अगर इस पल ये बात जो हम कर रहे हैं, इस बात को भी आप मिस कर रहे हो तो आप असफल हो गए। अगर इस पल आपके टीचर आपको पढ़ा रहे और आपका ध्यान कहीं और है, आप असफल हो गए, आप अपने टारगेट को मिस किए। जिस दिन खाना मिल रहा है और आप खाने की टेबल पर बैठ के भी खाना नहीं खा रहे हो, आप असफल हो गए, आपने टारगेट मिस कर दिया। क्योंकि वो खाने की टाइम थी, और खाने की टाइम में खाना क्यों नहीं खाया, पढ़ने की टाइम में पढ़ाई क्यों नहीं की, सोने की टाइम में सोए क्यों नहीं, जागने की टाइम में जागे क्यों नहीं। हर पल जिसके लिए नियुक्त है उस पल में वो काम नहीं करना असफलता है। पता है पेशेंस क्यों नहीं रख पाते? क्योंकि आपको लगता है कि फ्यूचर दूर है, सक्सेस कहीं दूर है, न जाने कब मिलेगी, तो आपका पेशेंस लूज हो जाता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाए कि इसी पल आपकी सफलता है, इसी पल आपका लक्ष्य है, जो सामने है वही आपका लक्ष्य है, वही आपकी मंजिल है, और सामने ही देख के चलना है, मुझे इसी क्षण को जीना है। अब इस क्षण को जीने में आपको पेशेंस रखने में क्या प्रॉब्लम है? कल कुछ पाना हो तो आज इंतजार करना होगा, पर आज इस पल को जीना हो तो क्या इंतजार करना होगा? आज इस पल को जीना हो तो इंतजार नहीं है, धैर्य नहीं है, केवल चाहिए अटेंटिविटी। क्या चाहिए? जागरूकता। इस पल में जागृत हो जाओ तो आपका धैर्य हो गया, लेकिन आप किसी और पल के इंतजार में हो, आप अधीर हो जाओगे।
कितनी भी बातें सुनो, सब्र रखो, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। रख ही नहीं सकते सब्र अगर तुम्हें लगता है कि कल तुमको सफलता मिलने वाली है, कल तुम्हें खुशियां मिलने वाली है, तो आज कहीं ना कहीं तो सब्र का बांध टूट जाएगा। पर आप ये देखो कि इसी पल में खुशियां, इसी पल में सफलता है, इसी पल में आनंद है, इसी पल में जिंदगी है, और इस पल को जीना है आपको। तो बताओ आप धीरज रखने का सवाल पैदा होगा क्या? सवाल ही खत्म। इस पल जो पढ़ाई कराई जा रही है, इसी पढ़ाई को आपको पूरी ईमानदारी से, पूरी अटेंटिविटी से करना है। बस यही पढ़ाई आपका लक्ष्य है। पढ़ते समय पढ़ाई लक्ष्य होना चाहिए, एग्जाम देना नहीं। एग्जाम देते समय एग्जाम देना लक्ष्य होना चाहिए, रिजल्ट नहीं। और रिजल्ट कभी लक्ष्य होता ही नहीं है, रिजल्ट तो आपके अटेंटिविटी का रिजल्ट होता है, रिजल्ट तो आपके प्रयासों का परिणाम है, रिजल्ट आपका लक्ष्य नहीं है। तो लक्ष्य क्या हुआ? प्रयास। और प्रयास कभी कल नहीं होते, इस पल होते हैं। ओके, तो सब्र की आवश्यकता का, कुछ दूरियां हो तो सब्र होगा, अगर दूरी खत्म हो जाए तो सब्र की आवश्यकता का। तो इस कॉन्सेप्ट को चेंज करो कि सक्सेस फ्यूचर में, टारगेट फ्यूचर में, गोल फ्यूचर में। देयर इज नो फ्यूचर। है क्या फ्यूचर? कल कभी आता है क्या? जब भी हमारे पास होता है पल ही होता है। कल कभी होता है क्या? जब भी हमारे पास जो कुछ होता है वो पल ही होता है। कल कभी होता है क्या हमारे पास? नहीं होता है ना। तो जियो पल पल, न टालो कल पर। जियो पल पल, न टालो कल पर। जब कल है ही नहीं तो सब्र किसका? इस पल को पूरे अटेंटिव होके जियो, ऑटोमेटिकली आपके कार्य अच्छे से होंगे। और यही पल है, याद रखो, यही पल है जीवन, यही पल है। इस पल में जो मिल रहा है, इस पल में जो करने लायक आपको करना है वो कर लो, जो मिल रहा है उसको संभालो, जो पढ़ा रहा है उसका रेस्पेक्ट करो, जो एटमॉस्फेयर मिला है उसके लिए थैंकफुल बनो। पेशेंस की प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि हमें जो मिला हम उसके प्रति थैंकफुल है ही नहीं, हमें कुछ और चाहिए। पेशेंस की प्रॉब्लम क्यों आई? क्योंकि कुछ और चाहिए, इसलिए पेशेंस आज नहीं रख पा रहे हो। अगर आपको कुछ और नहीं चाहिए, जो मिला उसके प्रति आप थैंकफुल हो जाओ, तो आपको पेशेंस है ही। हम में से कितने लोग हैं जो अपने हर दिन के लिए थैंकफुल होते हैं? वाओ, 4-5 हैंड्स रेज हुए। चलो 4-5 लोग हैं तो भी बड़ी बात है, लेकिन अगर हम समझदार होते हैं तो हम में से हर आदमी आज के दिन के लिए थैंकफुल होता है। और अगर हम आज के दिन के लिए, आज के पल के लिए, इस पल के लिए, हर पल के लिए थैंकफुल होते हैं तो हम नेचुरली समझदार ही होते हैं। हो आप थैंकफुल? आपको क्या लगता है? कहाँ पहाड़ों के बीच में लाके पटक दिया, कॉलेज भी ऐसी जगह बनाई, आसपास में कुछ लोग भी देखने को ना मिले, कोई मॉल नहीं, कोई सिनेमा हॉल नहीं, कोई रेस्टोरेंट बार नहीं। हाँ, ऐसा सोचते हो? ऐसा सोचते हो कितना मजा है एक्चुअल साधना करने का, अध्ययन करने का, खुद पे वर्क करने का, अपने लाइफ को अच्छा बनाने का, पूरी प्रकृति के साथ जीने का, घूमने का, उगते सूरज को देखने का, डूबते सूरज को देखने का, क्या आनंद आता है। कोई इसका आनंद लेता है या कोई हमेशा कंप्लेन ही करता है? लेते हो आनंद? एक बार हम लोग हिमाचल प्रदेश में थे तो एक योल केंट एरिया आता है, किसी ने नाम सुना हो तो, वो इंडिया का लास्ट बॉर्डर है वहाँ पे, उसके आगे चाइना है। तो हम वहाँ पे उस पॉइंट पे थे जहाँ सामने बर्फ़ की पहाड़ियाँ थी। तो हम जिनके घर पे रुके हुए थे, हमने उनको बोला आप लोग कितने लकी हो ना, इतनी अच्छी जगह पे रहते हो, जंगल, पहाड़, नदी, सब कुछ आपके साथ, घर के आसपास में सब कुछ है, तो आप कितने लकी हो जो यहाँ रहते हो। वो मुझे बोले महाराज साहब आप अभी आए हो ना इसलिए आपको लग रहा है,
हम यहाँ बैठ करके मिस करते हैं कि कहाँ मॉल, कहाँ सिनेमा हॉल, कहाँ बाजार, कहाँ बहुत सारे लोग, हमें वो सारी चीज़ें यहाँ नहीं मिलती, हमें मार्केट के लिए दूर जाना पड़ता है। तो हमें तो मरा साहब ये सारी जगह ऊब करती है। मैंने कहा वहाँ के लोग यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ के लोग वहाँ जाना चाहते हैं। नहीं, गांव शहर का आदमी सोचता है कभी वहाँ जाऊँ जंगलों की शांति, पहाड़ों की शांति में, और जंगलों और पहाड़ों का आदमी सोचता है कभी जाऊँ शहर और बाजार के शोरगुल के बीच में। तो होता क्या है ना, आदमी जहाँ है उसके प्रति थैंकफुल है ही नहीं, उसको कुछ और चाहिए। जब कुछ और चाहिए तो अब ये चीज़ें खलने लगती है, और जब मिली हुई चीज़ें खलने लगती है तो फिर पेशेंस का क्वेश्चन पैदा होता है, आखिर कब तक पेशेंस रखूँ। मतलब क्या कि आई डिज़ायर समथिंग एल्स। ओके, तो आप कुछ और क्यों चाह रहे हो? आपको जो मिला आप उसके लिए थैंकफुल क्यों नहीं हो? आप कहोगे ऐसा कैसे, पर लाइफ के फैक्ट को जानो, जिसको जो मिला है उसके प्रति अगर थैंकफुल होता है तो उसको जो चाहिए उसको ऑटोमेटिकली मिलता है, और जिसको जो मिला है उसके प्रति अगर कंप्लेनिंग मोड पे रहता है तो उसको जब जो चाहिए वो मिल भी गया तब भी वो कंप्लेन ही करता हुआ रहेगा, क्योंकि जिसको आदत पड़ गई शिकायत करने की वो तो सदा ही शिकायत करेगा, और जिसको आदत हो गई खुश रहने की, थैंकफुल होने की, वो तो सदा ही थैंकफुल होगा। अब आप देखो आपको कौन सी आदत डेवलप करनी है अपने अंदर, कौन सी डेवलप करनी है जी, थैंकफुल होने की। जरा चेहरे पे मुस्कुराहट तो आनी चाहिए ना, तो सीरियस चेहरे से तो पता नहीं लगता कि आप थैंकफुल होने की आदत डेवलप करना चाह रहे हो। रियली इस पल को एंजॉय करो, इस पल के लिए थैंकफुल बनो और अटेंटिव रहो, और इस पल में ही आपकी सफलता है, पल में ही सफलता है, कल में सफलता नहीं है। ये बात अपने अंदर समझ के ठहराओ, फिर देखो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी लाइफ से। जय हो।